हेलो गाइस, भाई अभी बज चुके हैं सुबह के 5। मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, यहाँ आरती होती है 5:30 बजे, तो मैंने कहा आरती में चलेंगे। 2 बजे सोया था रात, अभी बस 3-1 घंटे की नींद लगी। ऐसे लगा कि यार अभी तो एक बार आंख बंद करी थी, इतनी जल्दी का अलार्म बज गया। आप उधर पहले आरती, यार भीड़ लग चुकी है सुबह ही सुबह आरती के लिए। ये देख रहे हो, ये लोग हैं और उसके जस्ट सामने भी बैठ चुके हैं लोग। चलो यार चलते हैं फिर जल्दी से एक बार आरती में, है ना। ओके अभी आरती हो चुकी है, अब चलते हैं रूम पर दोबारा और सोएंगे। सो जाते हैं ऊपर चल के। मैं तो तब से यहीं बैठा हूँ छत पे आके, यहीं व्यू देख रहा हूँ बढ़िया, एकदम आंखें तृप्त हो चुकी है। मतलब ऐसा व्यू आ रहा है, आप पहले व्यू देखो यार। देखो भाई, मतलब यहाँ पे लोग पूरी पूरी रात नहीं मानते। रात भी आए थे हम लोग, नहा ही रहे थे। और आज तो मंडे वैसे है, और मुझे लग रहा है शायद सावन का आखिरी सोमवार भी है। भाई पूरी भीड़ हो रखी है। और देखो एक चीज़ और देखो, ये यहाँ से पानी रेगुलेट होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, हरिद्वार का ये वाली जो चीज़ है, ये वाली। और ये इधर फिर शायद आई थिंक ये दो रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, एक ये जा रही है सीधी और एक ये निकल रही है इधर। भाई अभी आ चुके हैं बिल्कुल टाइगर रिजर्व। भाई व्यू देख रहे हो, व्यू कैडा व्यू हो रखा है भाई, जाम लग रहा बहुत तगड़े वाला। अभी तक कोई चक्कर ही नहीं है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ, अपना नीलकंठ। इतनी देर तक मैं घर से हरिद्वार आने में नहीं लगी जितनी हरिद्वार से नीलकंठ आने में लगी है। पीछे का व्यू देख रहे हो तुम, बहुत तगड़ा हो रहा भाई। सिंगल रोड पाए हैं, सिंगल रोड और डबल साइड कार सिस्टम है और रखा था थोड़ा सा व्यू। बाकी चलते हैं ऊपर नीलकंठ, अभी गाड़ी पार्क हो चुकी है अपनी, गाड़ी एरी चलते हैं भाई। नीलकंठ पहुंच चुके हैं, ये लाइन लग रही है इधर अंदर जाने के लिए। यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था नहीं ना हो बढ़िया। अभी आ चुके हैं वापस नीलकंठ पे जल चढ़ा के, और अंदर का कुछ भी दिखा नहीं पाया भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कैमरे अलाउड नहीं थे अंदर चलाने। बाकी अब चलते हैं घर। अभी देखो 2:30 बज चुका है, मुझे तो लग रहा है 3 बज जाएंगे निकलते और 10 बज जाएंगे घर पहुँचते। भाई डली नहा के चल रहे हैं घर, लास्ट बार भाई पहाड़ी बना रहे हैं। पता नहीं कहाँ कौन सी पहाड़ी, कहाँ से पानी आ रहा है। बीच रास्ते में गाड़ी रोक के हम खुद वो वहाँ गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी
और ये पता नहीं कहाँ रास्ते में नीलकंठ से आ रहे थे, आते आते रास्ते में गाड़ी रोक लिया, दिखा रहा झरना, नहीं नहाना स्टार्ट कर दिया, चलते हैं फिर दोबारा। भाई अभी चल दिए नहा के वापिस, अभी पहुंच चुके हैं कहाँ, अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। वैसे मौसा जी बता रहे हैं कि ऋषिकेश में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाली एक लक्ष्मण झूला ही है और यहाँ राफ्टिंग वाफ्टिंग का थोड़ा सीन रहता है क्रिएट। वो पीछे गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी, चलते हैं यार, घर चल रहे, थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा, दो दिन से नींद ली नहीं है, बस घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, देखते हैं। चलो आपके घूम भी लिया है यार, बहुत दिन हो गए बिना घूमे। यहाँ का व्यू देखो तुम, जहाँ गाड़ी रोकी है देख रहे हो, पेड़ ही पेड़ है भाई, पहाड़ ही पहाड़ रखे निरे। गाड़ी धुलवाना आए थे, 2 घंटे हो गए गाड़ी धुलते धुलते, देख रहे हो, पता नहीं कि आज गाड़ी कैसे होगी, कि मुझे लग रहा है तकड़ी चमका देंगे, बिल्कुल नई करके भेजेंगे आज। चलो भाई चल रहे हैं।